आज सुबह से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से दिल्ली पुलिस साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट जैसी इंटरनेशनल रेसलर्स को, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं, उन्हें सड़क पे लिटाकर, घसीटकर, धक्के मार मार कर, जबरदस्ती उठाकर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में डिटेन करा गया है। तो दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्या इन लड़कियों ने कोई अपराध करा है? क्या ये लड़कियां आतंकवादी हैं? ये लड़कियां इस देश की हीरो हैं। इन लड़कियों ने सिर्फ यही तो गलती करी है कि इन्होंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और ये डटी रही। 35 दिन हो चुके हैं, ब्रिज भूषण नाम का एक गुंडा है जो कि हमारे देश का एक सांसद भी है, उनके खिलाफ इन लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। उस आदमी के ऊपर पहले भी 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और एक माइनर लड़की का यौन शोषण के अपराध का केस भी चल रहा है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं करा। मैं ये जानना चाहती हूं कि जिस गंदी तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज हमारी लड़कियों को, बेटियों को घसीट घसीट के अलग अलग पुलिस थानों में बंद कराए, क्या दिल्ली पुलिस के किसी भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसी तरीके से घसीट के ब्रिज भूषण को जेल के अंदर डाला जाए? आज ब्रिजभूषण नए पार्लियामेंट में बैठ के लड्डू खा रहा है मजे से और ये लड़कियां खून पसीना बहा रही हैं। क्या यही नया इंडिया है? मेरे को सिर्फ ये सवाल है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, जिनको मैंने पत्र लिखा है, क्यों नहीं अरेस्ट करते ब्रिजभूषण सिंह को? मैं चाहती हूं, हमने रिकमेंडेशंस दी है, तुरंत उस गुंडे ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए और तुरंत इस देश की बेटियों को, इन लड़कियों को और इनके परिवार को रिलीज करा जाए। दिल्ली पुलिस को कोई अधिकार नहीं बनता कि इन लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से ये अरेस्ट करें।